अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ जिंगर बर्गर, वो भी KFC स्टाइल का। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये दो मैंने ब्रेस्ट पीस लिए हैं, इसको छुरी से निशान लगा लिए हैं, कट लगा लिए हैं दोनों साइड्स पे, इधर भी और इस साइड पे भी। और इसके अलावा 1 टीस्पून हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च है और थोड़ी सी क्रश की हुई है, और 1 लेमन है, और ये सलाद के पत्ते हैं। तो मैंने इस हिसाब से ये क्वांटिटी ली है, आपने जितना बनाना है आप उस हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले मैंने गहरी प्लेट ले ली है, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाले हैं, नमक, काली मिर्च और क्रश की, इसको मिक्स करूंगी। एक लेमन मैं इसमें निचोड़ूंगी। इससे चिकन जो है वो नरम हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके ऊपर मैं मैरिनेट करती हूँ। जहाँ पे आपने कट लगाए थे उसके अंदर तक आपने ये मसाला लगाना है, ताकि टेस्ट जो है वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और मज़ा आए। अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे अब दूसरे पे। अब इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ। ऑयल मैं गरम कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे आपने रखना है। एक बाउल में मैंने मैदा ले लिया, इसमें थोड़ा सा हसब ज़रूरत मैंने नमक ऐड किया। अब ये ब्रेस्ट के पीस में इसको अच्छे से लगाऊंगी, अच्छे से ऊपर नीचे से दबा के इस पर आप कोटिंग करें, और इसको फिर पानी में डालें। अब दूसरे वाले को, अब पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ लें, और अब मैं इसमें दोबारा डिप करूंगी। इसको झाड़ें, इसे झाड़ लिया अच्छे से। अब इसको मैं ऑयल में डिप करती हूँ, फ्राई करेंगे इसको, और उतनी देर दूसरे वाले को अच्छे से मैदा लगा लें। फ्लेम आपने स्लो रखनी है, ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए। ये अब दूसरा भी मैं डाल रही हूँ। तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, और अब मैं बर्गर को थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। ये रेडी हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं।
दूसरी साइड पे केचप, और फिर सलाद के पत्ते रखूंगी। ये आपने लाइट ग्रीन वाले लेने हैं, जो डार्क ग्रीन होते हैं ना वो थोड़े से कड़वे होते हैं, तो आप ये लाइट ग्रीन लें ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा लगे। और उसके बाद ये क्रंची सा पीस रखें, और इसके बाद इसको ऊपर रख दें। क्रिस्पी फ्राइज पे रेडी है, किसी दिन आपके साथ मैं क्रिस्पी फ्राइज की रेसिपी शेयर करूंगी। जी, तो जिंगर बर्गर रेडी है, वो भी KFC स्टाइल में, और साथ में मैं फ्राइज़ के साथ इसको एंजॉय करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।